नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक 3 BHK फ्लैट लेके आए हैं फ्रंट साइड का, जिसकी बालकनी पे काफ़ी अच्छी धूप आपको मिलेगी। बालकनी से आपको फेसिंग मिलती है कुछ इस तरह की ग्रीन फेसिंग, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये लोकेशन है द्वारका सेक्टर 3 के पास में। जी हाँ, 3 के पास में, द्वारका सेक्टर 3 नहीं है। अगर आप द्वारका की प्रॉपर्टी से समझ रहे हैं तो द्वारका मत समझिए, बट यस, यहाँ पे प्राइस पॉइंट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है और सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ है वो आप द्वारका की एक्सेस कर सकते हैं। लोकेशन दिल्ली पब्लिक स्कूल, अगर आपने नाम सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना है तो आप उसको गूगल मैप्स पर डाल सकते हैं और प्रॉक्सिमिटी पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी पड़ती है। फेसिंग काफ़ी अच्छी है, धूप बहुत अच्छी है और प्रॉपर्टी के अंदर जो डेकोरेशन है वो भी बहुत अच्छी है। लिफ्ट, कार पार्किंग के साथ करें 3 BHK, बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे। प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे है, नंबर्स नीचे हैं। आइए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ से आते हैं आप आपकी प्रॉपर्टी में। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा विशाल का ये दरवाज़ा जो आपको दिख रहा है, जिसके अंदर लगभग 1, 2, 3, 4 गाड़ियाँ तो फ्रंट में ही खड़ी हो सकती हैं बिल्कुल। तो कुछ इस तरह की ये प्रॉपर्टी है और इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 8 फ्लैट हैं, केवल हर फ्लोर पे 2 ही फ्लैट हैं। और इस तरह का दरवाज़ा, यानी कि जहाँ पे आपको सीधा गाड़ी अपनी सट से बाहर निकल जाए, इस तरह की व्यवस्था कम पार्किंग्स में मिलती है। तो पार्किंग एक काफ़ी मेजर चैलेंज भी हो गया है और एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए, अपनी गाड़ी सबको सही जगह पर लगानी है। साथ ही साथ जो सामने रोड है, अगर उसके ऊपर भी आप गाड़ियाँ लगाते हैं तो कोई चैलेंज नहीं आएगा, कोई नीचे हॉन्किंग नहीं होगी, क्योंकि इनफ स्पेस है। एक बार हल्का कैमरा आगे लाइए, सामने आप देख सकते हैं गाड़ियाँ स्कूटर खड़े हैं, उसके बावजूद आराम से 2 गाड़ियाँ बड़े प्यार से निकाली जा सकती हैं। उसके बाद इधर आप देखते हैं तो गहराई काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ ऑल पार्किंग स्पेस। सामने की ओर हमारी लिफ्ट है और स्टेयरकेस है, जिसको लेकर हम अपने ऊपर फ्लोर तक जा सकते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं हमारे फ्लैट पे और दिखाते हैं कि फ्लैट अंदर से कैसा दिखता है। आ जाइए दोस्तों। सो दोस्तों, ये है आपकी लिफ्ट, जिसको लेकर आप आते हैं अपने फ्लोर तक। हर फ्लोर पे केवल 2 फ्लैट मिलते हैं आपको और दोनों ही फ्लैट्स की जो कंडीशन और साइज है वो बहुत बढ़िया है। इस प्रॉपर्टी में अंदर आते ही आपको काफ़ी अच्छी वाइब आ रही होगी। जी हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े होने के बाद में आपको पूरा लेआउट मैं बता देता हूँ। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कम आती हैं, बहुत ही ज़्यादा कम आती हैं, और जिस लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी है वो लोकेशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लोकेशन है, क्योंकि वो छोटी है और इसके अंदर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ्लैट्स हैं, जिसकी मतलब अवेलेबिलिटी आप ढूंढेंगे मिल नहीं पाती है, ख़ासतौर पे इस कंडीशन के फ्लैट जिसके अंदर इतना बढ़िया काम आपको मिल जाए। इस लिविंग हॉल को आप देख सकते हैं, डायमेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इस प्रॉपर्टी का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 135 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास आपको मिलता है। यहाँ पे आप सोफ़ा के अरेंजमेंट देख सकते हैं, इतना बड़ा सोफ़ा आप भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, थोड़ा छोटा लगाना चाहते हैं तो आपके पास खेलने कूदने की जगह बच जाएगी। ऊपर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया फैंस, शैंडलियर, फॉल सीलिंग, जो कि आजकल काफ़ी नॉर्मल है, बट यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन देखते हैं चीज़ों की तो वो थोड़ी हटके है, थोड़ी यूनिक है। इस प्रॉपर्टी के अंदर जो दोनों बेडरूम्स हैं वो हमारे आगे की ओर हैं, एक बेडरूम पीछे की ओर है। यहाँ पे पूजा रूम है, इधर किचन स्पेस है एंड दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम। ये इसका लेआउट है। जो यहाँ तक पहुँचने की रोड है वो काफ़ी चौड़ी है, यानी कि लगभग 40 फीट चौड़ी रोड आपको ठीक प्रॉपर्टी के बाहर, और अप्रोच रोड लगभग 60 फीट चौड़ी मिल जाती है। यहाँ से अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले हमारा किचन स्पेस। ये किचन स्पेस आपको जो दिख रहा है, इसके अंदर सारा काम आपको मॉड्यूलर मिलेगा, फैंसी, बिल्कुल अप टू डेट जो आज की डेट में चल रहा है। यहाँ पे आप चिमनी और हॉब देख सकते हैं, नीचे आपको
जो जो मॉड्यूलर सामान चाहिए होता है वो सब कुछ मिल जाएगा। आप लोगों का एक बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न मैंने देखा है कि हमारा फ्रिज कहाँ लगेगा। इस पूरी किचन के अंदर इस एल शेप के बाद में जो ये पूरी वॉल है ये कंप्लीट आपको आपके फ्रिज के स्पेस के लिए मिलती है। अगर आप इसके अंदर डबल डोर वाला फ्रिज भी लगाना चाहते हैं वो भी आराम से यहाँ स्टैंड हो जाएगा, उसके बावजूद आपके किचन के अंदर किसी भी तरह का जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ से आते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम में, ये आपका गेस्ट वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम, जो भी आप इसे बोलना चाहें। सीट की प्लेसमेंट इस तरफ है, साइज आप देखते हैं तो 7 फीट बाय 4 फीट का स्पेस आपको इधर मिलता है और यहाँ पे भी 7 फीट बाय 3 फीट का स्पेस यहाँ पे मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉशरूम हो जाता है जिसके अंदर आपको ये शाफ्ट पोर्शन है वेंटिलेशन के लिए चाहिए होता है। आते हैं हमारे सबसे बढ़िया पार्ट पे इस प्रॉपर्टी के, आ जाइए। जी हाँ, बेडरूम्स के अंदर वेंटिलेशन, बेडरूम्स के अंदर नेचुरल लाइट, डे लाइट, सनलाइट, जो भी आप इसे बोलते हैं, जब तक वो नहीं आती है तब तक एक पॉजिटिव ऑरा नहीं बन पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया लाइट, बढ़िया हवा और बिल्कुल सन, जैसे कहते हैं ना सूर्य देवता या बिल्कुल प्रकट हो रखे हैं। और अभी सुबह के 11:30 का समय हो रहा है, तो 11:30 बजे अगर आपको सुबह ऐसी धूप मिलेगी तो ऑटोमेटिकली लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड हो ही जाती है। ख़ासतौर पे इस रूम का जो आप साइज़ देखते हैं, ये 6x6 का फुल क्विल्टेड बेड है, मतलब इससे ज़्यादा हैवी चौड़ा बेड आप नहीं लगा पाओगे अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। इसके बावजूद मुझे यहाँ पे भी लगभग 2.5 फीट का स्पेस चलने के लिए मिल रहा है। सामने की ओर इस पोर्शन में मुझे लगभग 4.5 फीट चलने का स्पेस मिलता है और एक बार उस तरफ जाइए, जी हाँ यहाँ पे भी हमको अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट का स्पेस चलने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे वार्डरोब आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपकी ड्रेसिंग बनी हुई है। इसके अलावा हल्का पीछे जाते हैं तो ये जो आप इस फ्रेम में पूरी विंडो देख रहे हैं, फ्रेंच विंडो, UPVC का काम, आगे आ जाइए। जी हाँ, इतनी बड़ी आपको बालकनी मिलती है कंप्लीट, यहाँ से लेकर वहाँ तक की लगभग 12 फीट लंबी एंड चौड़ाई अगर आप इसकी देखते हैं तो ये करीब करीब 3.5 से 4 फीट की चौड़ाई रखती है। सामने नीचे का एक बार आपको रोड दिखा देते हैं, नीचे का रोड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जो सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ की लगी है, ये गेटेड है लोकेलिटी, यहाँ से भी सामने आपको गेट मिल जाएगा, इधर से भी आपको गेट मिल जाएगा। दोस्तों बस ये पेपर ऑन पेपर जो प्रॉपर्टी है वो द्वारका नहीं है, बाकी यहाँ पे द्वारका के सारे गुण सारे लक्षण मिल जाते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं हमारे बचे हुए 2 बेडरूम्स में और पूजा रूम में। यहाँ से आते हैं आपके बेडरूम नंबर 2 में। बेडरूम नंबर 2 में भी अप्रोप्रिएट स्पेस है, यहाँ पे भी आप चल सकते हैं, वहाँ पे भी चल सकते हैं, वार्डरोब वहाँ पे बना हुआ है, बेड यहाँ लगा हुआ है। और उसके बाद ऊपर नज़र मारिए एक बार, फॉल सीलिंग, कोव लाइट, कंसील लाइट्स, बढ़िया कॉम्बिनेशन। एंड इसके अंदर भी आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है। जी हाँ, इस वॉशरूम के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है और जो साइज ऑफ दिस वॉशरूम मैं बोलूँगा काफ़ी बढ़िया, काफ़ी डिसेंट निकला हुआ है। यहाँ पे आपको 7x4 का साइज मिल जाता है और ये साइज एक अटैच वॉशरूम या फिर एक कॉमन वॉशरूम दोनों के तौर पे बहुत ही सही साइज निकल के आता है। एक बार आप इस पॉइंट पे आइए, आपने अभी उस तरफ से देखा इस लिविंग हॉल को, अब मैं आपको इस तरफ से इसलिए दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप एंटर होते हैं आपके जो गेस्ट इस जगह पे बैठेंगे अल्टीमेटली उनका जो ध्यान है और उनकी जो नज़र है वो आपके किचन पोर्शन पे किसी भी तरह से नहीं जा सकती। सेकंड चीज़, यहाँ पे आपको सामने पूजा अरेंजमेंट मिलता है। जी हाँ, पूजा घर जो काफ़ी सारे फ्लैट्स में और काफ़ी सारे घरों में मिसिंग होता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप अपना डेडिकेटेड पूजा रूम सेटअप कीजिए। उसके बाद आते हैं सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार पार्ट पे। आपने वॉकिंग क्लोजेट का जो कंसेप्ट है जो ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स के बड़े फ्लैट्स में देखा होगा, वही कंसेप्ट आपको इस प्रॉपर्टी में भी मिलता है। इसी वजह से ये नॉर्मल ऑर्डिनरी 3BHK फ्लैट से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं एक 3BHK फ्लैट के साथ, उसके साथ मिल जाता है आपको वॉकिंग क्लोजेट। अभी दिखाते हैं आपको कितना स्पेस है उसमें। बेड लगाएंगे आप इधर, बाकी इसके अंदर कुछ एज सच बताने वाला नहीं है। और रूम साइज़ मैं आज इसलिए नहीं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में इसके अंदर देखिए बेड लगाने के बाद अगर चलने फिरने का स्पेस है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूम साइज़ ऑटोमेटिकली काफ़ी बड़े हैं। इसके अलावा जो USP मुझे दिखती है इस फ्लैट की,
वो है ये। जी हाँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये पूरा पोर्शन एक वॉकिंग क्लोजेट के तौर पे तय किया जाता है। ये देखिए, इधर आपके कपड़े आ जाएंगे, यहाँ पे आप रेडी हो सकते हैं, और यहीं पे आपको वॉशरूम भी मिल जाता है अटैच। तो आपने इस प्रॉपर्टी के अंदर टोटल 3 वॉशरूम, मतलब एक वॉशरूम ये हो गया आपका, एक गेस्ट वॉशरूम हो गया, और एक हमारा फ्रंट साइड का जो बेडरूम था उसके साथ में अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस प्रॉपर्टी को काफ़ी अलग बनाती हैं नॉर्मल प्रॉपर्टीज से। तो अगर आप एक ऐसा फ्लैट प्लान कर रहे थे द्वारका में, जो कि आपको लगभग 1 CR या 1.5 CR के बीच के ब्रैकेट में मिल जाए, तो द्वारका में तो ऑटोमेटिकली आपको भी पता है इट्स नॉट पॉसिबल। एक 2 BHK फ्लैट आता है 1 से लेकर 1.3 की रेंज में, बट उसी मिलती जुलती रेंज में हम आपके लिए एक 3 BHK प्रॉपर्टी लेके आए हैं, दैट टू विद ऑल फैसिलिटीज़। अगर आप यहाँ पे लोन कराना चाहते हैं तो दिस प्रॉपर्टी इज़ लोनेबल, लोन भी पॉसिबल है, NBFC भी कर देगा, LIC हाउसिंग भी कर देगा, JNK से बोलेंगे तो वहाँ से भी करवा देंगे। बाकी ऑल इन ऑल इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रॉपर्टी का, इस कोड के साथ में कॉल कीजिए, इसका स्टेटस चेक कीजिए और फटाफट से इसे ग्रैब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों।